मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर डीआरएम भुसावल ने दौरा किया। ये दौरा डीआरएम इति पांडे ने किया। करीब 2 घंटे तक यहाँ पे बारीकी से निरीक्षण किया, अंदर की व्यवस्थाएं देखी, बाहर के परिसर की व्यवस्थाएं देखी और ये आदर्श रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सुविधाओं को जुटाया जाना है यात्रियों के लिए, उसको लेकर उन्होंने गंभीरता से अधिकारी को निर्देश दिए। उन्हें कई बार डांट भी पहराई ताकि यहाँ पे व्यवस्था ज़्यादा अच्छी बने रहे और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हमने इति पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, वो हम आपको सुनाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमर यादव पहुंचे थे। यहाँ पे शिवाजी नगर और चिंचाला की करीब 25 से अधिक महिलाओं को लेकर पहुंचे थे। उनको उनकी मांग थी कि जो FOB है, जो रेलवे क्रॉसिंग का पुल है, उस पे से उनको जाने आने दिया जाए ताकि उनको लंबा फेरा ना लगाना पड़े। इस पूरे मामले को लेकर DRM इति पांडे ने साफ तौर पर कहा कि अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद अमर यादव ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद उन्होंने इति पांडे से बात कराई, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने जो निर्देश दिए उसको लेकर साफ तौर पर मना किया कि फिलहाल परमिशन नहीं मिल सकती। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि सांसद महोदय कोई पत्र लिखे तो उस पर हम विचार कर सकते हैं। आप खुद देखिए किस तरीके का ये दौरा था। लगातार हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिले। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ऑपरेट नहीं कर रहे तो टॉयलेट पर फिर जाएगा और वो यूज नहीं कर रहे तो एक ब्लॉक अभी हम लोग ने प्लान नहीं किया है, पर बात किया आपस में कि एक ब्लॉक रिटेन कर लेंगे क्योंकि लोग जो FOB से नीचे उतर के आ रहे हैं और जो इधर से भी एंटर करेंगे उधर आगे पार्सल ऑफिस बनेगा, पार्किंग बनेगी तो वो यूज में आ सकता है। तो एक ब्लॉक टॉयलेट का रिटेन करेंगे, दूसरे में कुछ प्लान करना है, अभी प्लान करना है। थर्ड लाइन है उसको लेकर भी निरीक्षण था आपका? आज हमारा थर्ड और फोर्थ लाइन को लेकर निरीक्षण था। और ये जो अभी इनकी मांग है, स्थानीय पार्षद जो है अभी जो रास्ता मांग रहे हैं आपसे, तो वो उनकी मांग जिनाई रहे हैं या नहीं है? मांग उनकी जेन्युइन इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे रेलवे के एरिया में आता ही नहीं। मेरे रेलवे में ये प्रावधान नहीं है कि मैं कॉमन आदमी को पास दे दूं आने जाने का, क्योंकि इसमें सुविधा देने में कोई तकलीफ नहीं। सुविधा तो हम आगे बढ़ के देना चाहते हैं, सिस्टम में नहीं है। बट ये सिस्टम में पैसेंजर को सुविधा देने के लिए है। हाँ। मैं हर को आने दूंगी तो कल आज तो महिलाओं की रिक्वायरमेंट है, कल सिक्योरिटी की इशू सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आप टिकट चेक नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सही बात है, वो मेरे स्टेशन प्रमाइस में ही नहीं है। हमारी इधर की रेलवे कॉलोनी है उसका अलग एंट्रेंस और एग्जिट है और ये इनका अलग एंट्रेंस और एग्जिट है। जायज मांगी है, तभी भी अगर ऐसा लगता है कि हम उनको कुछ सुविधा दे सकते हैं तो दे सकते। मैं पूर्व में भी DRM मैडम आई थी, तभी भी मैंने हमारे चिंचाला और शिवाजी वाड़े जाने का जो मार्ग था उसको दीवार के माध्यम से बंद कर दिया था, तो उसी को लेकर मांगी कि यहाँ पे हमको एक छोटा सा गेट रख दिया जाए जो हम ओवर ब्रिज से होकर उस पार चले जाएंगे और चिंचाला और शिवाजी वाड़े जाने के लिए दोनों तरफ रोड दूर है, ब्रिज के नीचे जाना पड़ता है, बारिश में पानी भरता था। कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे, इस रास्ते बंद से? ये लगभग दोनों वार्ड के कम से कम 15,000 लोग। अच्छा, अभी आपने किसी से बात कराई इनकी? मैंने माननीय सांसद जी से बात कराई और सांसद जी मैडम ने बात किया उधर से, उन्होंने पत्र मांगा है, वो पत्र के माध्यम से बोले मैं कर दिया, ये आश्वासन दिया। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।